जनकपुरी पश्चिम के बोटैनिकल गार्डन को जोड़ने वाली मेजेंटा लाइन और द्वारका नजफगढ़ के बीच ग्रे लाइन मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। आज से हर शिफ्ट में 2 घंटे की बढ़ोतरी भी की जा रही है। आपको बता दें, सुबह 7 से दोपहर 1 बजे व शाम को 4 से 10 बजे तक मेट्रो 9 लाइनों पर 3653 फेरे लगाएगी। पहले दिन में 11 और शाम को 8 बजे तक ही मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई जा रही थी। इससे पहले कल येलो, ब्लू और पिंक लाइन के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद व हरियाणा के फरीदाबाद और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाली रेड, वॉयलेट और ग्रीन लाइन पर भी मेट्रो सेवा शुरू हो गई थी। इसके साथ ही 172 दिन बाद एनसीआर की सभी लाइनों पर मेट्रो दोबारा दौड़ने लगी। आपको बता दें, डीएमआरसी के मुताबिक 3 नई लाइनें शुरू होने से मेट्रो में यात्राएं तो बढ़ी हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन से पहले की तुलना में बेहद कम है। संचालन शुरू होने के 5वें दिन 2 शिफ्ट में मेट्रो का समय भी आज से बढ़ाया जा रहा है। 12 सितंबर से सभी लाइनों पर सुबह 6 से रात 11 बजे तक मेट्रो सेवा मिलने लगी। मेट्रो प्रशासन का मानना है कि अभी तक का संचालन कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सही तरीके से हुआ है। किसी भी मेट्रो स्टेशन से कोई शिकायत नहीं मिली है, लिहाजा तयशुदा शेड्यूल के कोई बदलाव नहीं करने का इरादा बताया गया है। इसके साथ ही मंडी हाउस, कीर्तिनगर, इंद्रलोक और वेलकम इंटरचेंज स्टेशन भी खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, ब्लू लाइन पर सबसे ज्यादा और ग्रीन लाइन पर सबसे कम यात्राएं हुई हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।